सो गाइस आज मेरे पास है होंडा साइन BS4 मॉडल और इस बाइक में हम फुल सर्विसिंग कर रहे हैं। क्या इस बाइक में प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे मैं सर्विस करता हूं, कितना लेबर चार्ज लेता हूं, कितना इसमें प्राइसिंग वगैरह, आज के इस वीडियो में पूरा सब कुछ मैं आपको खोल के बता दूंगा। सबसे पहले बाइक देख लो, बहुत ज़्यादा गंदा है। सबसे पहले हम बाइक का वॉशिंग करेंगे, उसके बाद बाइक का सर्विसिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रॉब्लम बताया था। पहला प्रॉब्लम है इसका जो ये वाला मीटर का बल्ब है ये नहीं जल रहा है, पहला प्रॉब्लम। सेकेंड, इसका जो हैंडल है पूरा जाम है। मतलब मैं आपको अगर सही से दिखाऊं, देखो हैंडल एक जगह रुक गया और देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब गड्ढा टाइप के हैंडल में हो चुका है। हालांकि व्हील जो है देखो बिल्कुल फ्री है, बट ये देखें हैंडल इस तरीके से हो रहा है, पूरा देखो पूरा जाम है। तो इसका जो है रेसर 100% चेंज करना पड़ेगा। और बाइक चल चुका है देख सकते हो 23,000 मतलब 24,000 मान के चलो, तो अभी भी इस बाइक में रेसर चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, सेकेंड इसका जो एयर फिल्टर हम चेक करेंगे, एयर फिल्टर अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम चेंज कर देंगे। और इसका इंजन ऑयल चेंज होगा और उसके बाद हेडलाइट का थोड़ा सा अलाइनमेंट बेंड है, तो हम हेडलाइट का थोड़ा सा अलाइनमेंट भी करेंगे और बाकी जो भी नॉर्मल सर्विसिंग मैं आपको बता दूंगा। सो आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इस बाइक हम सर्विस कर रहे हैं रूटीन सर्विस, 23,000 बाइक चला हुआ है और ये बाइक मेरे पास फर्स्ट टाइम आई है। तो फर्स्ट टाइम हिसाब से मैं क्या सर्विस करता हूँ, कार्बोरेटर वगैरह खोलता हूँ या फिर टैंक वगैरह कैसे करता हूँ, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को देखो और इंजॉय करो। सर्विस चार्ज कितना होता है, इंजन ऑयल का क्या प्राइस होता है, कौन सा इंजन ऑयल इसमें डाल सकते हो, A to Z चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप साइन गाड़ी सर्विस कर रहे हो तो उसमें कितना पैसा लगता है सर्विसिंग में, तो पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा। तो चलो आज ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका सीट ओपन करेंगे, यहाँ से साइन का सीट खुल जाता है। सीट ओपन करने के बाद हम इसका पहले टैंक ओपन करेंगे, उसके बाद जो हैंडल का काम है वो पहले करेंगे, उसके बाद जो भी रेस प्रोसेस है वो करेंगे। टैंक ओपन करने के लिए यहाँ पे एक आपका पहले ये पहला आपका इसका फ्यूल नॉब निकल गया, ये वाला सेंसर आपको रिमूव कर लीजिए, ये फ्यूल मीटर का सेंसर होता है। और ये BS4 बाइक है तो आपको ये वाला पाइप निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो टैंक है, बहुत पेट्रोल है भाई तो निकाल लीजिए। सो इसको हैंडल पहले खोलना पड़ेगा, इसके लिए हम 10 नंबर का टी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें बोल्ट खोलने के लिए सॉकर का बोल्ट होता है और इसमें एक्चुअली 12 नंबर का बोल्ट लगता है। हम पहले सॉकर का बोल्ट खोल लेंगे, उसके बाद सॉकर असेंबली निकल जाएगा। और अभी 30 नंबर का जो गोटे है इससे हम ये वाला बड़ा वाला नट खोलेंगे 30 नंबर का। उसके बाद ये एक्चुअली ब्रेक का केबल होता है जिसको हमने लूज कर लिया है। उसके बाद ये आपका ड्रम प्लेट जो है निकल जाएगा, क्योंकि हमें पूरा सॉकर ही खोलना है। और इसमें देखो ASK का ब्रांडिंग दिया, मतलब ये लोकल मतलब पहले रिप्लेस हो चुका है, ये आपका लोकल ब्रेक शू इसमें डाला हुआ है। इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो हम ये चेक कर लेंगे। इसमें देख सकते हैं इसका जो ग्रीसिंग वगैरह है ये पूरा खत्म हो चुका है, तो हम इसका रिपेयर करेंगे। और इसके लिए हमको ये वाला खोलना पड़ेगा। हम इसका ब्रेक शू खोल लेते हैं पहले। ओके, इसका ब्रेक शू का कंडीशन ठीक है, चल जाएगा। इसमें से बहुत सारा साउंड आ रहा था खटखट खटखट करके, तो एक बार चेक कर लेंगे। तो इसका देखो इसमें से ग्रीसिंग कुछ है ही नहीं, ग्रीसिंग है नहीं तो ग्रीसिंग करना पड़ेगा। और इसका जो ये वाला सेंसर होता है इसमें भी ग्रीसिंग नहीं है, दैट्स द रीजन यहाँ पे साउंड आ रहा था। इसका जो बियरिंग है वो चेक करेंगे, बियरिंग में ग्रीसिंग है और बियरिंग ओरिजिनल है और इसमें कोई प्ले नहीं है, तो बियरिंग जो सही है। इसका टायर निकाल लेंगे और उसके बाद इसका मडगार्ड ओपन करना पड़ेगा, और मडगार्ड जो यहाँ पे टूटा हुआ है बट चल जाएगा। और गाइस ये 8 नंबर का बोल्ट मडगार्ड ओपन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर का गोटी लगता है, ये आपका सॉकर का टी खोलना पड़ेगा। इस तरीके से खोल लीजिए, सॉकर हमारा ना बाहर निकल जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये देखो सॉकर हमारा बाहर निकल गया, ये वाला एक सॉकर। उसके बाद ये वाला आपका सेकंड सॉकर भी निकल गया, इसको जस्ट टाइट नहीं करना है, जस्ट हल्का लूज करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो दूसरा सॉकर यहाँ पे निकल गया। उसके बाद आपको ये वाला नट हमने खोल दिया है और ये वाला हैंडल है वापस हमने टाइट कर दिए, क्योंकि ये वाला नट खोलने प्रॉब्लम हो रहा था। अभी ये वाला नट खुल चुका है, अभी जस्ट इसका जो ये वाला असेंबली है। सो इसमें 8 नंबर का बोल्ट इधर भी रहता है, तो इसको आपको खोलना पड़ेगा, मैं भूल गया था, अदरवाइज आपका हेडलाइट नहीं निकलेगा, इसको खोलना पड़ेगा। सो गाइस अभी इसका हेड का निकाल लेते हैं, ये आपका इस तरीके से निकल जाएगा। ये देखो ये आपका हेड का पूरा असेंबली निकल गया, ऐसे रखते हैं ठीक है। अभी इसका ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा,
टाइट है, तो ये वाला चेक रन हमको खोलना पड़ेगा। और हमारा टी, ये वाला टी हम निकालने वाले हैं, ये हमारा देखो। और एज यू कैन सी आप देख सकते हो इसका हालत देख लो, ये पूरा रेड हो चुका है, मतलब इसमें पानी गया है और इसका पूरा ख़त्म हो चुका है, कुछ कचुम्बर बन चुका है। ये देखो, ये देखो। सो इसका जो टी है वो निकल चुका है, देखो इसका टी का हालत ठीक है, बट इसका जो ये रेसर चेंज होगा, ये वाला जो भी बॉल बियरिंग है ये चेंज होगा। तो जब इसका टी हम, इसका जो ये वाला रेसर है इसको हम खोलने के लिए मेरा आधा घंटा गया है और फाइनली खोल चुका है। मतलब ऐसे करना है आपको, और ये आपका आपका एक्सेल लेके इसको इस तरह से करना है। सो ऐसे इसका जो ये वाला रेसर है सब कुछ हमने खोल लिया है। अभी मैं आपको न्यू जो रेसर है वो आपको दिखाऊंगा, उसका प्राइस भी मैं आपको दिखाऊंगा और कौन से बाइक का हम लगा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो एज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हीरो ग्लैमर का, जिसका MRP है 410 रुपये। होंडा साइन का बार लेकर नहीं जाओगे तो लगभग 600 रुपीज़ समथिंग प्राइस आई थिंक। सो इसका मैं दिखा देता हूँ इसका अंदर क्या क्या रहता है। इसके अंदर आपको देख सकते हैं, और इस तरह का जो रेसर है कंपनी से आता है फिटिंग वाला, ये आपको मिलेगा। आपको चार रेसर मिलते हैं और आपको दो छर्रा मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ये वाला इंस्टॉल करेंगे। तो ये वाला चीज़ देख रहे हैं, ये आपका इसमें टी, इस नीचे वाला टी में लगेगा, तो पहले हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद जो ये वाला प्रोसेस है वो हम करेंगे। सो ये देखो यहाँ पे इवेनली अंदर का हिस्सा बैठ चुका है, और यहाँ पे अगर आप ठोकेंगे ना तो एक हार्ड साउंड आएगा, हार्ड साउंड आ रहा है। तो जो ओल्ड रेसर है उसको हम निकाल लेंगे, जो नियो वाला रेसर है वो इसमें इजीली देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ चुका है। इस तरीके से हम इसको चोट मारेंगे हल्का हल्का। तो इसका हमारा ओल्ड जो रेसर है वो निकल गया इस तरीके से, और जो न्यू रेसर है परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके अंदर एक रबर आता है, तो हम इस तरीके से इसके अंदर लगा देंगे, वो इसके नीचे रहता है। ये आप रबर लगाना ना भूलिएगा। तो कंपनी जैसे जैसा फिटिंग आता है ओरिजिनल रेसर हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको ग्रीसिंग करते हैं। और ये वाला रेसर ऊपर से हम इसके इसके अंदर न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको इसका जो स्पीडोमीटर सेंसर हम इसमें केरोसिन से क्लीन कर रहे हैं, इसमें कंजूसी ना करें भाई, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्लीन कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो ग्रीसिंग था, ग्रीसिंग है ही नहीं। तो पहले हम क्लीनिंग करके इसको देख लेंगे, क्लीनिंग से ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा आई थिंक। ये जब मीटर पर नहीं हम देख रहे हैं, इसको मैंने स्मूथ कर दिया है केरोसिन से क्लीन करके, और इसका सर्विस भी कर दिया है। इसका हमारा ग्रीसिंग करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से आई थिंक ये सही हो जाएगा। सो इतने सारा मेहनत के बाद इसका जो ये वर्किंग प्रिंसिपल है बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है, देखो बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है। तो इसका हो गया, अभी इसमें ग्रीसिंग हमने कर दिया। अभी इसका ब्रेक्स को लगाते, इसका व्हील लगाते हैं, और व्हील का बियरिंग मैंने चेक कर लिया, इसका डस्ट सील निकल गया। अब इसका जो बियरिंग है देख सकते हैं हालत, बियरिंग इसका डस्ट कवर खोल के हाथ में आ चुका है, फिल कर देंगे प्रॉपर न्यू ग्रीस से। तो ये देख सकते हैं ग्रीसिंग हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिल कर दिया। हेड का जो ग्रीसिंग है वो फिल किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको में देख सकते हैं, पर फिर भी हम इसमें ग्रीसिंग फिल कर देंगे एक्स्ट्रा जो ग्रीस है।
बियरिंग इसका सही है तो हम बियरिंग चेंज नहीं करें, इसको लगाते हैं और हैंडल वगैरह चेक कर लेते हैं। चाप लेने का नहीं, चाप देने का। इसका रियर का पॉकेट है, इसका बियरिंग में हम ग्रीसिंग कर रहे हैं। ये एक्चुअली इसमें तीन बियरिंग आते हैं, ये मेन बियरिंग, पॉकेट बियरिंग कहते हैं इसे, तो इसमें ग्रीसिंग का कमी था। अदरवाइज इसका कंडीशन ठीक है, बट ग्रीसिंग एकदम भी नहीं था, तो हम इसमें ग्रीसिंग कर दे रहे हैं। और इसके अंदर भी क्लीन है, तो इसका रियर का ब्रेक शू इस कंपनी का लगा हुआ है, मतलब लोकल कंपनी का लगा हुआ है, और इसका ब्रेक का कंडीशन ठीक है, ब्रेक शू हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं अभी इस सेक्शन में। और हालांकि इसमें ग्रीसिंग वगैरह फिल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पीछे में कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। और इसके लिए इसे कहते हैं कपलिंग रबर, इसका कपलिंग रबर एक टूटा हुआ है बट सही है। और इसके दोनों बियरिंग में मैंने चेक किया, ग्रीसिंग सफिशियंट बट फिर भी हम इसको ग्रीसिंग कर देंगे। और इसमें एक बियरिंग आता है, इसमें हम ग्रीसिंग कर देंगे। और इसका ये वाला लेवलिंग देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा घिस देंगे। सो हमने इसका फ्रंट पॉकेट खोला है, और बहुत सारे लोग इस फ्रंट पॉकेट का नहीं खोलते, बट हमने खोला है तो इसका चेंज पॉकेट सही है, बट इसमें बहुत सारा गंदगी निकलता है। देखो अभी मैंने क्लीन किया है, ये देखो बहुत सारा गंदगी निकल रहा है, तो हम इसको केरोसिन से पूरा चेन को क्लीन करेंगे इस तरीके से। और अगर हमने चेन क्लीनिंग के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो आई बटन में क्लिक करें, वो प्रॉपर डिटेलिंग के साथ वीडियो है कैसा बाइक का चेन क्लीन कर सकते हैं, वो भी साइन के ऊपर ही है। तो इसको हमने चेन को क्लीन कर देंगे, और फ्रंट पॉकेट में ना हम ग्रीसिंग कर देंगे हल्का सा। अभी इस फ्रंट पॉकेट सही है, स्मूथ है, तो इसमें हम थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे, उसके बाद जो लुब्रिकेशन ऑयल है हम इसमें फिल कर देंगे। सो इसका चेन का ग्रीसिंग कंप्लीट तरीके से हो चुका है, और अभी जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, देखो इसका जो कपलिंग रबर है ये देखो कटा हुआ है, तो नेक्स्ट सर्विस में हम बोलेंगे कि कस्टमर को ये इसको आप चेंज कर लीजिए। 100 रुपीज़ में 120 रुपीज़ का प्राइस आता है। सो इसका जो एयर फिल्टर है एक्चुअली ये भी लोकल है, और लोकल कैसे पता चला, देखो यहाँ पे आपका एफएमसी कंपनी का होता है, इसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, बट इसका ओरिजिनल लगा था ठीक रहता, बट ये भी कंपनी देखो एफएमसी कंपनी, ये भी लोकल है, बट इसका क्वालिटी मतलब कंडीशन सही है, तो हम इसका चेंज नहीं करें। बट इसका एक्चुअली प्राइस रहता है 130 के रुपीज़ के अंदर। इसका हमने टैंक लगा दिया, और इसका जो 12 नंबर का बोल्ट है उसको हम लगा के टाइट कर देंगे, हमारा टैंक का काम कम्प्लीट हो जाएगा। एंड इसका हम अभी इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो इसमें 12 नंबर का गोटी इधर लगता है, हमने ऑलरेडी खोल लिया है, और इंजन को हमने थोड़ा सा गर्म भी कर लिया है क्योंकि सारा इंजन ऑयल गिर जाएगा। तो ये देखो इसका इंजन ऑयल गिर रहा है। सो अभी इसका जो इंजन ऑयल है हम चेंज कर रहे हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ मोटुल यूज़ करें, तो मोटुल मुझे मिला नहीं, बट उसका सेम क्वालिटी कस्ट्रॉल पावर ऑन अल्टीमेट, और ये BS6 गाड़ी का इंजन है, BS6 रेडी, और इसका ग्रेड है हम 10W40, इसमें 10W30 डलता है और 900ml डलता है। हम इसमें 1 लीटर का ही पाउच यूज़ करें, बट इसमें 900ml ही डालेंगे, और हम इसमें 10W40, सर्दी का मौसम है तो 10W40 यूज़ करें। और इसके MRP देख लो, इसके MRP 690 रुपीज़, तो उसको डिस्काउंट करके अप्रोक्स आपका 600 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा, ये हम डाल देंगे। तो इंजन ऑयल फिलअप हो चुका है, और इसका डिपस्टिप हम लगा देंगे। सो बाइक हम स्टार्ट करते हैं, और इसका ये वाला बल्ब देख सकते कट गए, रिप्लेस करना बाकी है अभी। अभी बाइक देख सकते स्मूथ हो गए, सो इसका नेक्स्ट काम इसका जो स्पार्क प्लग है वो हम खोल के क्लीन कर लेंगे। इसमें लगता है कि 16 नंबर का पाना, देखो अभी ये स्पार्क प्लग मैंने खोला है और बिल्कुल वाइट है, तो कोई भी एडजस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका हम क्लीन करके वापस से लगा देंगे। तो इस नेक्स्ट काम है जितने भी यहाँ पे फ्रिक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको ग्रीसिंग करना है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीसिंग कर दिया, यहाँ पे ये वाला और इसका जो ये वाला स्टैंड है, तो ये सब कुछ सर्विसिंग में इंक्लूड होता है। तो ऑल ओवरऑल बाइक का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बाइक मैंने टेस्ट राइड भी कर लिया, हैंडल का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, सामने का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, और ये वाला लाइट जो हम ऑलरेडी मीटर खोल कर चेंज कर दिए, वीडियो नहीं बनाए, तो इस तरीके से आप साइन का सर्विस कर सकते हैं। सो गाइस देखा आपने फुल सर्विसिंग वगैरह कैसे मैं करता हूँ नॉर्मली, अगर अपने मास्टर सर्विस देख रहे हैं मतलब A to Z चीज़ें, तो यहाँ पे क्लिक करो, प्लैटिनम के ऊपर एक फुल सर्विसिंग का वीडियो है, वो वाला वीडियो 100% देखो, इससे भी बढ़िया वो वाला वीडियो बना है। और इसका प्राइस वगैरह मैं बता देता हूँ, प्राइस मैंने लिया इसका लेबर चार्ज जो है
सर्विस चार्ज बोल सकते हो 350 रुपये, और बाकी मैं आपको बिल शो कर रहा हूँ, यही सेम बिल कस्टमर को डिलीवर हो चुका है। और इसका टोटल बिल हुआ है वो है 1530 रुपीज़, फिर डिस्काउंट करके इसका 1500 रुपीज़ इसका टोटल बिल हुआ है। इसके अंदर मैंने कहा शॉक ऑयल भी चेंज किया, हैंडल रेसर भी चेंज किया, फुल सर्विसिंग ये भी किया है, और इसको बाइक को फोम वॉश करके डिलीवर भी किया है, पॉलिशिंग वगैरह भी किया है। तो इसके अंदर मैंने 350 रुपीज़ सिर्फ लिया है। आप कमेंट में बताओ मैंने ज़्यादा लिया है कि कम लिया है। मैं इतना ही लेता हूँ 350 रुपये। और कस्टमर जो है नया है तो ये चार्ज है, अगर कस्टमर रेगुलर हो जाता है तो मैं इसको कम करके 50 रुपीज़ डिस्काउंट भी कर, मतलब 300 रुपीज़ के अंदर उसका फुल सर्विसिंग कर देता हूँ। बाकी प्राइसिंग वगैरह जो लगा मैंने आपको दिखा दिया खुला। तो अगर आपके पास ऑनर साइन है तो इस तरीके से सर्विस होता है। आप कमेंट में बताओ वाला सर्विस कैसा लगा, और प्राइस के बारे में बताना कि प्राइस आपको ज़्यादा लगा, कम लगा, लेबर चार्ज वगैरह, सर्विस चार्ज वगैरह। बाकी जो मोबाइल का चार्ज है, इंजन ऑयल का चार्ज है, वो तो अलग है। तो वैसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।